2024 का चुनाव, लोकसभा का चुनाव, मंदिर बना मस्जिद अभी से चालू हो गया है, जय श्री राम अभी से चल रहा है, आप इसको लेकर के कैसा सोचते? देखिए, दुर्भाग्य की बात है इस देश की, दुर्भाग्य की बात है इस राज्य की, दुर्भाग्य की बात है इस जिला और छपरा गोपालगंज सिवान सारण पर और गोपालगंज और सिवान की सारण प्रमंडल की। आप बताइए कि भारतीय जनता पार्टी जो जय श्री राम की बात करती है, लोग जय श्री राम के नाम पे हिंदुस्तान के मुसलमान और हिंदू को लड़ाने की बात करती है, उनसे पूछिए कि क्या हिंदुस्तान के 125 करोड़ के लोगों के लिए, हर धर्म के लोगों के मन में रहमान और राम नहीं बसते हैं? क्या अयोध्या में आप मंदिर बनवा के क्या साबित करना चाहते हैं, मस्जिद बनवा के क्या साबित करना चाहते हैं? हर घर में, हर घर के लोग, हर घर ही मस्जिद और मंदिर है, अगर मन से इबादत कीजिएगा तो देश जो है मंदिर मस्जिद से चलेगा कि संविधान से चलेगा? संविधान को कहाँ मानते हैं, हिंदुस्तान के संविधान को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हिंदुस्तान के जो संविधान को लिखा है उस लिखने में कहीं भी है कि पॉलिटिकल पार्टी के लोग जात और बिरादरी और समाज और बैकवर्ड और फॉरवर्ड और हिंदू और मुसलमान और मंदिर और मस्जिद करके समाज को बांटें? नहीं है। कुंडन पॉलिटिकल कोई भी मंच में लिखा है, कोई मंच करता है जात और बिरादरी से? आज भारतीय जनता पार्टी ने संविधान को का विरोध करके मंदिर और मस्जिद और बैकवर्ड और फॉरवर्ड और हिंदू और मुसलमान करके किसी पॉलिटिकल मंच को, किसी पॉलिटिकल पार्टी को संविधान ये इजाज़त नहीं दिया है कि आप किसी मंदिर को तोड़ के मस्जिद बना दीजिए, मस्जिद को तोड़ के मंदिर बना दीजिए, चर्च को तोड़ के गुरुद्वारा बना दीजिए, गुरुद्वारा को तोड़ के चर्च बनवा दीजिए। किसी संविधान ने इजाज़त किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं दिया है। आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को इजाज़त नहीं दिया कि हिंदू की बात मुसलमान से कीजिए, मुसलमान की बात हिंदू से कीजिए, सिख की बात ईसाई से कीजिए, ईसाई की बात सिख से कीजिए। संविधान ने दिया है कि सभी जाति, सभी धर्म, मजहब बराबर है, सभी का सम्मान है। मस्जिद बनाने का काम जो मुकम्मल मुसलमान होंगे, जिनके पास मुकम्मल ईमान होगा, वो मस्जिद बनाएंगे। सनातनी धर्म जो पूजा पाठ में विश्वास करते हैं, वो मंदिर बनाएंगे। चर्च गुरुद्वारा उनके समाज के लोग, पॉलिटिकल पार्टी का ये जिम्मा नहीं है कि आप मंदिर बनाओ, मस्जिद बनाओ, चर्च बनाओ, गुरुद्वारा। पॉलिटिकल पार्टी का जिम्मेदारी है कि तुम खेल के क्षेत्र में विकास करो, तुम स्वास्थ्य के क्षेत्र में विकास करो, तुम का नाम है आपके शिक्षा के क्षेत्र में विकास करो, रोड बनाओ, नाली बनवाओ, बच्चों के लिए क्लब बनवाओ। कैसा बिहार, सुंदर बिहार बनेगा, देश कैसा सुंदर बनेगा, विकसित देश होगा हमारा, जो अमेरिका, लंदन, फ्रांस, कनाडा, उसमें हमारा सबसे मजबूत देश कैसे होगा, इसके लिए संविधान बनाता है। संविधान नहीं बनाता कि किसी जाति को आप बांट दो, संविधान नहीं बनाता कि किसी मंदिर को तोड़ दो। इसलिए भारतीय जनता पार्टी माने झूठा, भारतीय जनता पार्टी माने बेईमान, भारतीय जनता पार्टी माने दंगाई पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी नहीं, समाज तोड़ने वाली ये पार्टी है। इस पार्टी को हमारे हिसाब से सुप्रीम कोर्ट को और न्यायपालिका को इस पे बिन लगा देना चाहिए। और देश की सबसे अगर बड़ी कोई पार्टी आतंकवादी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, RSS है। लेकिन इतना तो चुनाव जीत रहे हैं, अब की बार नारा है अब की बार 400 पार, आप कह रहे हैं बैन लगा देना। देखिए, आप एक बात मैं खुल के बता देना चाहता हूँ, क्षेत्रीयवाद, जातिवाद, धर्मवाद, ये बहुत ही खराब चीज़ है। पूरे देश में जो भारतीय जनता पार्टी ने खेल खेला है जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, हिंदू मुसलमान के नाम पे, यही कारण है कि लोग सामाजिक न्याय, धर्म निरपेक्षता को नहीं मान रहे हैं। हिंदू मुस्लिम एकता के जो प्रतीक प्यार मोहब्बत उनसियत थी, उसको नहीं मान रहे हैं। और आज जात के नाम पे आप बताइए, संविधान में भी एक छेड़छाड़ किया जा रहा है। आप बताइए, ये हिंदुस्तान जिस पे कहा कि जिस डाल डाल पे सोने की चुड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, इस देश को कहा जाता था, इस देश को कहा जाता था जिस देश में डाले सूरज सबसे, वो भारत देश है मेरा, इस देश को कहा जाता था। आज क्या बात है कि बिहारी को महाराष्ट्र में मारा जाता है, दिल्ली में मारा जाता है, आप झारखंड अलग हो गया, झारखंड में आदिवासी आपको मारता है। भारत तो सभी का है, भारतवासी हैं हम, पहले हम भारतवासी हैं, उसके बाद हम बिहारी हैं, तो भारतवासी है। तो आज क्षेत्रीयवाद के नाम पे हमें बांट दिया गया, ये बांटने वाला कौन है, भारतीय जनता पार्टी का लोग? आज हमें हिंदू और मुसलमान, कल रहमान को चोट लगती थी, रहमान को चोट लगती थी तो राम को दर्द होता था, राम को चोट लगती थी
तो रहमान को दर्द होता था, आज हिंदू और मुसलमान को बांटने वाले कौन है? भारतीय जनता पार्टी है। आज एक भी भारतीय जनता पार्टी के सांसद, एक भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक विकास की बात करता है? कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आप देखिए, आप बताइए, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता, जो भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, कहाँ वो आपके मंदिरों पे जाकर शिव चर्चा करवाता है, कहाँ मस्जिदों पे जाके मिलाद करवाता है? भारतीय जनता पार्टी ने बेड़ा उठाया है कि मंदिरों पे हम जाके शिव चर्चा करा दें, हिंदुत्व जगा दें, मुसलमान में कहाँ कोई पॉलिटिकल पार्टी, ईसाई में कहाँ? एक और चर्चा चल रहा है अभी पॉलिटिकल पार्टियों में, संविधान में एक सेकुलर नाम का शब्द है, उस पर भी आप लोग भी राजनीति करते हैं, उस सेकुलर शब्द को जो है संविधान से निकाला जा रहा है और वहाँ पे धर्म निरपेक्ष को जो है वहाँ पे ऐड किया जा रहा है। देखिए, सेकुलर सेकुलर जाहिलों को जाहिल क्या जानता है, सेकुलर जिसको धर्म के नाम पे राजनीति करना है, सेकुलर शब्द जो है ना हमारे पूजनीय महात्मा गांधी जानते थे, सेकुलर शब्द हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अलावा जो संविधान लिखे बाबा साहब अम्बेडकर जानते थे, और जितने हमारे महाराज महात्मा फूले जानते थे, बिरसा जी मुंडा जानते थे, जयप्रकाश नारायण जानते थे, कर्पूरी ठाकुर जानते थे, सेकुलरिज्म क्या होता है, कॉम्युनलिज्म क्या होता है। सेकुलरिज्म का मतलब होता है कि सबको सम्मान देना, सेकुलरिज्म का मतलब होता है कि सबके दुख के घड़ी में खड़े होना, सेकुलरिज्म का मतलब होता है कि शिक्षा देना, सेकुलरिज्म का मतलब होता है कि विकास करना, सेकुलरिज्म का मतलब होता है कि सच्चे सही नीतियों को धरातल पर उतारना, और कम्युनलिज्म का मतलब होता है दंगे कराना, फसाद कराना, धर्म के नाम पर बांटना, मंदिर के नाम पर